नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। जमुई में एनडीए प्रत्याशी और लोजपा नेता चिराग पासवान ने शहर के कई बूथों पर जाकर हालात का जायजा लिया। वहीं मतदाताओं से मिलकर मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही। साथ ही जनता से वोट करते करते कहा कि निवर्तमान सांसद चिराग पासवान ने कहा कि मुझे जनता पर भरोसा है कि जो मैंने पिछले 5 वर्षों में कार्य किया है उसके एवज में जनता मुझे वोट करेगी। तो ये अभी मेरा लक्ष्य सिर्फ एनडीए की सरकार बनाना और हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री पद के लिए कितना तैयार है? जैसा मैंने कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब आज थोड़ा सा फारिग होऊंगा तो फिर सोचना शुरू करेंगे। क्या करेगा ये समझ नहीं आता। 75 बार खुद में लेते हमारे से आशीर्वाद दे दिया। चाचा जमुई के अलावा मैं कहीं से नामांकन नहीं भर रहा हूँ। मैं हाजीपुर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं से चुनाव लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा और अगले 5 साल भी भारत की 17वीं संसद में जमुई का ही प्रतिनिधित्व करूंगा। आखिरी सवाल रामविलास। लेकिन आपने कहा कि जेडीयू का कैडर वोट भी है, लेकिन जेडीयू के कारण आपको नुकसान भी हो रहा है, भीतरघात भी हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र सिंह और सुमित सिंह फैक्टर जो है वो काम कर रहा है और आपके विरोध में। देखिए, खैर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है। हर किसी के अपने अपने कारण होते हैं, किसी के पक्ष में आने के, किसी के विपक्ष में जाने के। और जैसे मेरे पिताजी बोलते हैं कि लोकतंत्र चुनाव एक ऐसा महापर्व है, होली की तरह होता है। ये विभिन्न तरीके के रंग उतरते चढ़ते हैं उतरते हैं, तो अभी हर कोई अपने अपने रंग डालेगा। चुनाव के बाद फिर नहा धो के सब साफ सुथरे होके हम लोग अपने अपने काम पे लगेंगे। अब मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों इस तरीके का भीतरघात कर रहा है, बट जैसा मैंने कहा, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरा विश्वास है अपने तमाम साथियों पर, अपने तमाम कार्यकर्ताओं पर, गठबंधन के तमाम नेताओं पर कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने साथ दिया। 2.5-3 हफ्ते से मैं खुद यहाँ पर नॉन स्टॉप कैंप कर रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं मैं बाहर गया हूँ। तो जितना भी फीडबैक मिल रहा है पूरा पॉजिटिव है, तो कहीं मेरे लिए कोई चिंता नहीं। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।